सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो जैसा आपको पता है बच्चों, के लास्ट लेक्चर में अपन ने हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज स्टार्ट किया था। हमने हॉस्पिटैलिटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, फूड एंड बेवरेजेस, होटल एंड रेस्टोरेंट और ट्रेवल। फिर हमने ट्रैवल इंडस्ट्री से स्टार्ट किया, ट्रैवल इंडस्ट्री को हमने तीन पार्ट में क्लासीफाई किया, रेल, रोड एंड बाय एयर। फिर हमने देखा कि ट्रैवल इंडस्ट्री कैसे मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करती। देन आफ्टर कंप्लीशन हमने स्टार्ट किया था होटल इंडस्ट्री। वहाँ हमने स्टडी किया कि होटल इंडस्ट्री जो है वो दो फैक्टर्स की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। वो है एक तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का इंक्रीमेंट और दूसरा है कम्युनिकेशन का इंक्रीमेंट। इन दो चीज़ों के डेवलप होने की वजह से होटल इंडस्ट्री चेंज हो रही है, और ये जो चेंज है इस कल्चर को हम देख भी पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो टैरिफ में चेंज कर रही है, सर्विसेज में चेंज कर रही है। तो होटल इंडस्ट्री को भी अपन ने सेगमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियर। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये कि कैसे होटल इंडस्ट्री मार्केटिंग मिक्स को यूज़ कर रही है। तो सबसे पहला आता है प्रोडक्ट। तो होटल के अंदर प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि जो उसकी परफॉर्मेंस को हम जज कर पा रहे हैं, यानी वो टेंजिबल थिंग्स जिसकी वजह से लोग उस चीज़ को जज कर पा रहे हैं कि ये होटल कैसा है। तो टोटल एक्सपीरियंस इन द स्टे इन द होटल रूम, जितनी देर भी आप उस होटल के रूम में रहे, जितना भी आपने स्टे किया, जो भी सर्विसेज आपने कंज्यूम करी, उन दो तीन चार पाँच दिन जितने दिन भी आप रहे, वो सारी चीज़ें उस प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। और इसी चीज़ को हम अपने मार्केटिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आप वहाँ रहे, जितनी चीज़ें अच्छी चीज़ें आपको याद रही, रिमेंबर रही, वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर काम आए। देन आता है प्राइस। प्राइस होटल इंडस्ट्री में फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। जैसे आप देखते हैं कि डिमांड के ऊपर है, पीक सीज़न पे समर वीक में देखते होंगे कई हिल स्टेशंस पे बहुत डिमांड होती है, तो वहाँ पे होटल्स के रेट ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसा सर्दियों के समय पे कई बार ज़्यादा नहीं होते रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे होटल की प्राइस रेंज कम भी हो जाती है। तो ये फ्लेक्सिबल है, वेरिएबल है होटल के अंदर। फिर आता है प्लेसेस। प्लेसेस के अंदर हम बात करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे मैक्सिमम होटल्स को कवर कर रहा हो, जहाँ पे कंज्यूमर को सर्विसेज इजीली एक्सेसिबल हो। और होटल के अंदर जो प्लेस है ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसको कस्टमर को वहाँ रीच करना है। जिस जगह पे वो होटल में जाना चाह रहा है, जिस डेस्टिनेशन में वो घूमने जाना चाह रहा है, यदि आपका होटल किसी अच्छी लोकेशन पर नहीं है, जहाँ पे आपके लिए अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो कंज्यूमर उस चीज़ को प्रेफर नहीं करेगा, बुरा ही मानेगा। देन आता है प्रमोशन। होटल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज आप कंज्यूमर को देते हैं, उनको हमें प्रमोट करना पड़ेगा। चाहे उसके लिए हमें पर्सनल सेलिंग यूज़ करनी पड़े, चाहे एडवर्टाइजमेंट, चाहे मार्केटाइजिंग सपोर्ट, चाहे पब्लिक रिलेशन। तो पर्सनल सेलिंग हमारे लिए यहाँ पे आ रही है टू वे प्रोसेस। एक तो ये कि हम अपने कस्टमर को ऐसे रिमाइंडर याद करा पा रहे हैं कि भैया आप हमारा होटल में आप रह चुके हैं और हम आपको अच्छी सर्विसेज दे चुके हैं। और ये दूसरी चीज़ ऐसे मार्केटर टूल कि हम कस्टमर को नए प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स और डिज़ाइन कर सकें। देन आता है पीपल। होटल इंडस्ट्री के अंदर पीपल्स का भी हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी ग्रोथ पे रिलेट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारा कस्टमर सर्विसेज को एम्प्लॉय को जब सर्विस को कंज्यूम करता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है। तो होटल इंडस्ट्री में भी यही बात कही जाती है कि जो भी स्टाफ हम रिक्रूट करते हैं वो बिल्कुल सही स्टाफ होना चाहिए, और वो जो राइट पर्सन है ना, वो फुल्ली ट्रेंड होना चाहिए उस सर्विसेज के रिगार्डिंग। और यही पीपल आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बन सकते हैं मार्केट। देन आता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है वो सिस्टम जो कि हम उसको डिलीवर सर्विस डिलीवर करने में दे रहे हैं। मान लीजिए आप मैकडोनल्ड जा रहे हैं कुछ खाने पीने, वेज रेस्टोरेंट में बर्गर खाना है आपको, और उन्होंने आपके बर्गर ऑर्डर करने पे विद इन 2 or 3 minutes आपको बर्गर जो है डिलीवर कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? इट इज़ एन अ गुड प्रोसीजर, अ गुड प्रोसेस, क्विक सिस्टम, अ गुड मैकेनिज्म। तो यहाँ आपका जो कंजम्पशन फेज है वो धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके प्रोसेस से
सेटिस्फाइड है। देन आता है हमारे लिए यहाँ पे फिजिकल एविडेंस, सर्विसेज कहाँ डिलीवर करनी है, किसको डिलीवर करनी है। तो फिजिकल एविडेंस के अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारा कस्टमर है जब वो बार बार आए तो वो इन फिजिकल एविडेंस और इन चीज़ों को याद रखे। अब आप याद करिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं घूमने और यदि आपको वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत नीट एंड क्लीन दिखा तो क्या आप उस चीज़ को आगे रिकमेंड नहीं करते। आपको वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, अलग थीम का लगा, यूनिक लगा, तो क्या आप अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स को उस चीज़ को स्प्रेड आउट नहीं करते। और कभी दोबारा मन करेगा तो दोबारा भी आप उसके वो सिर्फ फिजिकल एविडेंस और एम्बियंस देखने के लिए ही जाना चाहेंगे। तो होटल इंडस्ट्री में फिजिकल एविडेंस भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारे लिए मार्केटिंग सर्विसेज ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। देखिए, हमने ट्रैवल पढ़ लिया, हमने होटल पढ़ लिया, अब आता है हमारे लिए टूरिज़्म। तो यहाँ जो हम टूरिज़्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं ना, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री को हमने सेगमेंट किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योग्राफिक और डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ताकि हम अपने कंज्यूमर्स को सेगमेंट कर सकें कि वो कहाँ पर हैं। तो टूरिज़्म मार्केट को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इन द ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि प्रॉफिट, एज, सोशियो इकोनॉमिक और डेस्टिनेशन के हिसाब से टूरिज़्म डेस्टिनेशन को पसंद करता है। ऐसा ही आता है साइकोग्राफिक। यहाँ हम जो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स को सेगमेंट कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी के बेसिस पर। यहाँ पे हम कई सारी इंटेंजिबल थिंग्स को क्लब करते हुए उनको बिलीफ और उनके इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, जज करते हैं, और उनके बेसिस पर ही उनको हम अलग अलग करते हैं। फिर आता है बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन। ये सेगमेंटेशन क्या कैटेगरी कर रहा है कि यहाँ हम उन्हीं को फोकस कर रहे हैं जो हमारे लिए क्या है, सिमिलर प्रोफाइल के हों, या चाहे वो डिफरेंट लाइफस्टाइल के, उससे मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट सवाल ये है कि डेस्टिनेशन उनको वही पसंद है जो दूसरे लोगों को पसंद है, यानी बिहेवियर वाइज उनको वह डेस्टिनेशन अच्छा लगता है। फिर आता है मल्टीवेरिएट सेगमेंटेशन। ये जो मेथड है आपका, ये डिफाइन कर रहा है पोर्टफोलियो ऑफ रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग लाइंस को लेके बना रहे हैं। जैसे हमने कंपनीज के लिए पैकेज बनाया, जो ये पैकेज डिसाइड किया, ये हमारे लिए ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक तीनों का कॉम्बिनेशन है, और ऐसा पैकेज बनाया गया जो इन कंपनीज के लिए यूजफुल हो। अब हम देखते हैं कि कैसे मार्केटिंग मिक्स यूज़ की जाती है टूरिज़्म में। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट। टूरिज़्म इंडस्ट्री में हमने प्रोडक्ट को 5 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है आपका कोर प्रोडक्ट। टूरिज्म इंडस्ट्री में कोर प्रोडक्ट है यानी वो डेस्टिनेशन जहाँ पे कस्टमर जाना चाहता है, बेसिक प्रोडक्ट। उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जैसे वहाँ की टिकट का होना, रिजर्वेशन सिस्टम का होना, ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी, वहाँ पे कोई साइट सीइंग भी होनी चाहिए और होटल्स भी वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, ये उसके लिए बेसिक है। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन देखी जाए, जैसे कभी भी उस डेस्टिनेशन पे जाने का मन करे तो आपके लिए सीट अवेलेबिलिटी अवेलेबल हो, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए, कंपनी या मैनेजमेंट जो भी आपका टूरिज्म का है वो अपने कस्टमर्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे दे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑल पैकेजेस, डिफरेंट रूट्स भी वो आपके लिए प्रोवाइड करा सकें, ये आपकी एक एक्सपेक्टेशन है जब आप टूरिज़्म इंडस्ट्री में देखते हैं। फिर टूरिज़्म इंडस्ट्री का अगर ऑगमेंटेड देखा जाए कि कौन सी ऐसी सर्विसेज वो ऑफ़र कर सकते हैं जो कि उनको दूसरों से अलग करते हैं, जैसे आपने देखा कुछ लोग तो वाईफाई दे रहे हैं, इंटरनेट दे रहे हैं, आप फ़ोन पर ही चेक इन कर सकते हैं,
देन आता है पोटेंशियलिटी। पोटेंशियलिटी क्या है? फ्यूचर के अंदर आपकी कंपनी उन कस्टमर्स को क्या देने वाली है। जैसे आप अगर एयरलाइन या शिप के थ्रू कस्टमर्स को कहीं डेस्टिनेशन भेज रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनके लिए शॉपिंग मॉल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका फ्लाइट के अंदर ही शॉपिंग मॉल है, कसिनो है, शिप्स के अंदर भी कसिनो है, शॉपिंग मॉल्स हैं। तो वो जितने समय उसमें उस मोड में रहेगा, चाहे एयर में रहे चाहे शिप पे रहे, वो आपकी सर्विसेज को एक्सपेक्टेड करता रहेगा, पोटेंशियलिटी मांग सकता। फिर आता है प्राइस। यहाँ जो प्राइस रखी जाती है वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बेसिस पे रखी जा रही है जो हम कस्टमर को दे रहे हैं। हाई क्वालिटी हाई प्राइस, लो क्वालिटी लो प्राइस। देन द प्लेस, मोस्ट ऑफ द टूर ऑपरेटर्स अपनी सर्विसेज वहाँ पे करते थ्रू ट्रेवल एजेंट के थ्रू करते हैं। कुछ करते हैं डायरेक्ट कस्टमर्स को और कुछ करते हैं एजेंट्स के थ्रू। देन आता है प्रमोशन। एक अच्छा प्रमोशन आपके कस्टमर्स को फ्रीक्वेंटली विजिट भी करा सकता है डेस्टिनेशन पे, और अगर किसी डेस्टिनेशन पे वो रुके हुए हैं तो उनकी नंबर ऑफ हॉलीडेज भी इंक्रीज करा सकता है वहाँ रुकने की। तो प्रमोशन हम कैसे कैसे कर पा रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर पा रहे हैं। इस टूल के थ्रू जो टूर ऑपरेटर है वो अपने कस्टमर्स को अवेयरनेस फैला रहा है, क्रिएट अवेयरनेस, ताकि आपके जो आपके कस्टमर ने आपके थ्रू जो टूरिज्म या पैकेज लिया वो उसको जस्टिफाई लगे। देन पब्लिसिटी, ये आपकी एक पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करने में भी मदद करता है। लोग थ्रू मीडिया न्यूज़ के थ्रू आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका जो सेल्स फोर्स है किसी के पास प्रोडक्ट को सेल करने जा रहा है और आपके पास किसी अच्छे विजिटर का रेफरेंसेस है, तो आप उनके रेफरेंस भी उनको दिखा सकते हैं, फीडबैक भी सुना सकते हैं। देन पर्सनल सेलिंग, जैसे हमने कहा कि टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री आपके आजकल पर्सनल सेलिंग पे बहुत डिपेंड हो गए, तो इसलिए पर्सनल सेलिंग जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ना हमारे, उनको फुल्ली ट्रेनिंग दी जाती है अबाउट टूरिज्म, हर एक डेस्टिनेशन के बारे में और उसमें मिलने वाली बेनिफिट्स के बारे में। पीपल, अगर हम पीपल की बात करें तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में जैसे हमने कहा कि ट्रैवल एजेंट्स भी जुड़े हुए हैं, ब्रोकर्स भी जुड़े हुए होते हैं और भी कई लोग साथ जुड़े हैं, तो जितने भी लोग आपके उस टूरिज्म में साथ जुड़े हुए हैं वो हाईली ट्रेन होने चाहिए और हाईली प्रोफेशनल होने चाहिए, ताकि वो अपने टूरिस्ट को क्या करे, गाइड कर सके। देन द प्रोसेस, प्रोसेस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बताना, इंफॉर्मेशन इंश्योर करना, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो बेस्ट चीज़ें हैं जिसमें आप डिलीवर कर सकते हैं सर्विस को, बेस्ट सर्विसेज, वो हमें इस प्रोसेस के अंदर कस्टमर को समझानी होती है। देन द फिजिकल एविडेंस, तो फिजिकल एविडेंस हमने यहाँ दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर चला। पहली पॉइंट है आपका कि जहाँ पे हम उस चीज़ को सेल्स कर रहे हैं, यानी जब कस्टमर आपके टूरिज्म पैकेज को परचेज करता है तो वो ये इंश्योर करना चाहता है कि क्या वो इस पैकेज को इंजॉय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो आप फिजिकल एविडेंस दिखा के आप उसको इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा कि जो एनवायरनमेंट है, जो आपने प्लेस बना रखा है, तो जहाँ पे ये प्रोडक्ट बेचा गया, जहाँ पे वो एक्सपीरियंस लेगा, वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसको लगे कि यस, ये ऑफिस जो है ये ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, या फिर यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि मुझे इंश्योर कर रहा है कि ये एक जस्टिफाइड ट्रैवल एजेंसी या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफिस है। तो यही है बच्चों का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।